ओके हाय, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है कैश मेमोरी। वैसे तो कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में मैंने दिया था, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं आप लोग को हम कैश मेमोरी के बारे में और इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे। हम आपको बताएंगे कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी से संबंधित कुछ जो खास इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसके बारे में हम लोग टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ये कैश मेमोरी काम किस आधार पर करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और हम लोग फटाफट इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता है पिछले मेमोरी हायरार्की का भी एक वीडियो हमने अपलोड किया, उसमें बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। वैसे तो आपको पता है इंटरनल मेमोरी हम लोग कहते हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को। आपको फिर से याद दिला दें ये कैश मेमोरी का जरूरत क्यों पड़ा। तो आपको मालूम है ये जो सीपीयू है इसको डाटा का जब प्रोसेसिंग करना होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो निश्चित तौर पे उसको डाटा की जरूरत पड़ती है। तो सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम में जो डाटा रखता है वो कहां रखता है, रजिस्टर्स में रखता है। रजिस्टर की सबसे खास बात क्या है कि इसको कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी भी एड्रेस बस की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज वेरी फास्ट मेमोरी। बट और ये इनफैक्ट इसके चिप के साथ इनबिल्ट आता भी है, सीपीयू के साथ इनबिल्ट आता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट के साथ रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर के साथ लिमिटेशन क्या है, आप कहेंगे मैम ये तो बहुत लिमिटेड नंबर का होता है तो सारा डाटा हम रजिस्टर में एक साथ रख नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बात रही मेन मेमोरी की, तो यहां देखिए मेन मेमोरी में डेटा को कुछ भी एक्सेस करना हो तो भी रिक्वायर्ड डेटा बस, एड्रेस बस है ना। तो एड्रेस बस के चक्कर में क्या होता है कि मेन मेमोरी का टाइम रजिस्टर के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाता है और सीपीयू चूंकि बहुत प्रोसेसिंग इसका फास्ट होता है, फास्टेस्ट कंपोनेंट आपके कंप्यूटर का है, तो आपको चाहिए होता है कि हम फास्ट से फास्ट मेमोरी इसको उपलब्ध कराएं जिससे डाटा फटाफट उसको मिलता रहे। डाटा के कारण इसका स्पीड बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ कि आपका कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंटर हुआ। कैश मेमोरी की खास बात क्या है, तो आप कहेंगे आप यही कहने वाली हैं कि इसको एड्रेस बस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। कैश मेमोरी क्या होगा, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, दो बात है जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। पहली बात कि मेन मेमोरी के तरह इसको एड्रेस बस की जरूरत नहीं पड़ती। याद रहा नंबर वन पॉइंट क्या बोला मैंने, कैश मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है एड्रेस बस, जिसके कारण मेन मेमोरी से इसका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन चक्कर यहां पे भी होगा, मेन मेमोरी के रेस्पेक्ट में कैश मेमोरी कॉस्टली होगा और साइज भी छोटा रहेगा। खैर, इसके ऊपर क्या चक्कर होगा, इसके कारण हम लोगों को क्या हैंडल करना पड़ेगा वो बात भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी फिलहाल आपको नंबर वन पॉइंट क्या याद रहा कैश मेमोरी का, कि कैश मेमोरी जो होता है रजिस्टर की तरह ही स्पीड वाला मेमोरी है बट उससे स्लो, लेकिन मेमोरी से फास्ट। मेन मेमोरी से फास्ट क्यों होता है, क्योंकि इसको भी आपका जो है एक्सेस करने के लिए एड्रेस या डाटा बस का एड्रेस बस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेचुरली इसका स्पीड जो होगा मेन मेमोरी से क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और रजिस्टर के रेस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा है तो आपका आउटकम तो बेहतर आने वाला है। अब सवाल उठता है एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, वो ये कि देखिए मेन मेमोरी में वही कंटेंट आता है सेकेंडरी से जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है, एक बात अच्छे से पता है। और सबसे स्लोएस्ट मेमोरी आपका कौन है, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें डाटा को रखना और निकालना यानी कि एक्सेस करना या फेच करना ये स्लोएस्ट है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। उससे कम टाइम आपका मेन मेमोरी में लगता है, उससे भी कम टाइम कैश में लगता है और सबसे कम आपके रजिस्टर्स में लगता है। लेकिन खास बात यहां क्या है आपके लिए कि मेन मेमोरी में वही डेटा आपका अपलोड होता है जो आपके सेकेंडरी से आता है जिसको कि आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है वो सब डाटा किस में आ जाता है, मेन मेमोरी में। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि कैश मेमोरी में डाटा जो आता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पर। ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पर कैश मेमोरी मेरा काम करता है, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या है, कहता है ये दो तरह का लोकेलिटी है, एक स्पेशल लोकेलिटी और दूसरा टेम्पोरल लोकेलिटी। तो लोकेलिटी ऑफ स्पेस, स्पेशल लोकेलिटी को लोकेलिटी ऑफ स्पेस भी कहते हैं, टेम्पोरल लोकेलिटी को स्पेस
कोलोकैलिटी इन टाइम भी कहते हैं। अब आप कहिएगा मैम ये सब क्या बके जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तुरंत समझ में आएगा। तो चलिए लोकैलिटी इन टाइम का मतलब क्या हुआ, कहता है इफ आइटम इज रेफरेंस इट विल टेंड टू रेफरेंस अगेन सून। ये काम ऐसे करता है जैसे मान लीजिए अभी हम आपको वीडियो लोड कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैम फिर से हमको तुरंत अगला वीडियो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही देंगी, इस बात की संभावना ज्यादा है। और मेरे लिए भी इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर बच्चे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देख रहे हैं तो दे विल लाइक टू सी वॉच कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल लोकैलिटी की इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी से संबंधित अगला वीडियो आप देखना चाहिएगा। मतलब यहां यह हुआ कि जो डाटा आप अभी एक्सेस कर रहे हैं उसी डेटा की जरूरत आपको क्या करेगा बाद में भी पड़ेगा, इस बात की सिक्योरिटी ज्यादा होगी, इस बात की गारंटी ज्यादा होगी। तो कैश मेमोरी क्या करेगा, आप देखिए अभी आपका बिल्कुल से कोई भी काम नहीं हो रहा है कंप्यूटर में, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट टाइम सेकेंडरी से मेन मेमोरी में डेटा आएगा, सीपीयू डाटा ढूंढेगा, कहां ढूंढेगा, रजिस्टर में सबसे पहले नहीं मिला, कहां जाएगा कैश मेमोरी में, नहीं मिला, डाटा कहां जाएगा मेन मेमोरी में ढूंढेगा, नहीं मिला तो कहां ढूंढेगा सेकेंडरी मेमोरी में। अब क्या होगा, डाटा सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, मेन फिर सेकेंडरी से मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से कहां आएगा, मेन मेमोरी से ये डाटा जाएगा रजिस्टर में, और साथ ही साथ कहां चला जाएगा कैश में भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ये मानता है, ये इस बात पर प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी पे काम करता है कि अगर इस वक्त हमको डेटा एक्स का जरूरत पड़ा तो कमिंग टाइम में हमको डेटा एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि सीपीयू को सिर्फ एक्स डेटा जो है वो रजिस्टर में ही नहीं जाएगा बल्कि उसको और कहां रख दिया जाएगा कैश मेमोरी में, सो दैट कि अगर वो जा तो उसको फिर से जरूरत पड़े एक्स डेटा का तो उसको मेन मेमोरी या सेकेंडरी में जाने की जरूरत नहीं हो, फटाफट कहां से उठा लेगा, कैश से उठा लेगा। समझ रहे हैं बात कि कैश मेमोरी में डेटा कैसे जाता है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी। दूसरा बात क्या कहता है, स्पेशल लोकैलिटी, लोकैलिटी इन स्पेस। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं किसका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो आप क्या करेंगे, हम इस बात को मान के चलते हैं जो कि होता भी है कि आप इसी के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे, बहुत सारे आपके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आप किसको ढूंढेंगे, आप जाएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के प्लेलिस्ट में। दिस इज कॉल्ड स्पेस मेमोरी, है ना। वही बात यहां है कि अगर यहां पर मेन मेमोरी में यहां पर डेटा यहां का एक्सेस हुआ है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहीं के आसपास का डेटा आगे आने वाले समय में एक्सेस होगा, तो उसको कहां ले जाकर रख दिया जाता है मेमोरी में। सो देखिए ये इसीलिए यहां लिखा है इफ एन आइटम इज रेफरेंस आइटम हुज एड्रेस आर क्लोज बाय टेन टू बी रेफरेंस सून, है ना, कि अगर इस जगह का आइटम अभी इस वक्त आपका एक्सेस किया जा रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसके आसपास का डाटा को अगली बार एक्सेस किया जाएगा। तो बिना सीपीयू के रिक्वेस्ट का, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बिना सीपीयू के रिक्वेस्ट के ही ये इसके आसपास का डाटा कहां रखा रहेगा कैश मेमोरी में। तो आप कहिएगा मैम बिना रिक्वेस्ट के आप कैश मेमोरी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाए, सीपीयू को मांगने से पहले उसके लिए डाटा वहां उपलब्ध हो, मजेदार बात है ना। तो ये सब क्यों किया गया, ताकि आपके प्रोसेसिंग स्पीड को हाईएस्ट रखा जाए, बढ़ा के रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग को हमको उम्मीद है प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी समझ में आ गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कैश हिट। अब डाटा आपका अगर सीपीयू को कुछ चाहिए तो कहां ढूंढेगा, रजिस्टर में ढूंढेगा, नहीं मिला तो कहां जाएगा कैश मेमोरी में जाएगा। अगर डाटा आपका कैश मेमोरी में मिल गया तो आप कहिएगा वाह मैं मजा आ गया, कैश हिट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कैश हिट। समझ गया ना कि जब आपका कैश में डाटा प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड कैश हिट। उसी तरह हिट रेट किसको कहा जाएगा, तो हिट रेट वो टाइम ऑफ फ्रैक्शन है, एक्सेस टाइम को एक्सेस टाइम का फ्रैक्शन है कि कितने देर में आपका जो है ये क्या कहता है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस फाउंड इन द कैश। कैश में कितना समय लगा आपके डाटा को फाउंड करने में, ढूंढने में, दैट इज कॉल्ड हिट रेट। समझ गए आप लोग कि अगर आपका हिट हो गया, कैश में डाटा मिल गया तो उसको एक्सेस फेच करने में टाइम तो लगेगा ना, डाटा निकालने में, दैट स्मॉल टाइम यूनिट इज कॉल्ड हिट रेट। वेरी क्लियर, कैश हिट और हिट रेट आपको समझ में आ गया। तो अब आप समझ लीजिए कैश मिस। अच्छा ये हमेशा बल्ले बल्ले तो होना नहीं है, कई बार ऐसा भी तो होगा कि आपको डाटा ना मिले, तो जब डाटा आपका कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा तो उसको आप क्या कहिएगा, कैश मिस कहिएगा, है ना। कहता है डाटा इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश देन इट इज कॉल्ड कैश मिट, कैश रेट, है ना, मिस रेट, कि ये नहीं मिला आपको डाटा, जब नहीं मिलेगा तो कैश हिट। अच्छा नहीं मिलने की क्या संभावना होगी, अगर टोटल संभावना वन है तो कैश रेट, मिस रेट आप क्या कहिएगा, वन माइनस हिट रेट, दो ही बात तो होना है, या तो है मिस रेट होगा या तो हिट रेट होगा, या तो डाटा प्रेजेंट होगा या तो नहीं प्रेजेंट होगा। तो अगर हिट रेट प्रेजेंट को बताता है तो मिस रेट ऑब्वियस सी बात है वन माइनस हिट रेट हो जाएगा, वेरी सिंपल। कैश साइज क्या होगा, देखिए भाई अब यहां एक खास बात आप लोग को हम लास्टली इस सेशन का बता रहे हैं
कि मेन मेमोरी का जो साइज होता है उसके रेस्पेक्ट में, अभी अभी आप क्या कहे कैश मेमोरी का साइज छोटा होता है, इसका मतलब हम लोग क्या कहने वाले हैं कि पूरा मेन मेमोरी का कंटेंट कभी भी कैश मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो जितना पार्ट ऑफ मैक्सिमम कैश मेन मेमोरी का कंटेंट आप कैश मेमोरी में स्टोर कर पाइएगा उसी को आप क्या कहिएगा कैश साइज। बिल्कुल सिंपल बात है ना, कि मान लीजिए आप इतना पार्ट ऑफ मेन मेमोरी कैश में स्टोर कर पाते हैं मैक्सिमम, तो दिस इज कॉल्ड कैश साइज। कैश साइज हमेशा मेन मेमोरी से छोटा रहेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, ब्लॉक साइज क्या है? अब जहां मन वहां जैसे मन वैसे तो आप कॉपी किताब में भी नहीं लिखते हैं, तो उसको एक पेजिंग कर लेते हैं ना, तो उसी को कंप्यूटर के भाषा में ब्लॉक कहा जाता है, स्मॉल यूनिट स्टॉप पेज, है ना। स्मॉल साइज ऑफ पेज, जो भी पेज आपका बनेगा पूरे बुक या कॉपी में जब आप लिखते हैं, तो यहां बुक और कॉपी कौन है? मेमोरी है, और उसका जो पेजेज है वो कौन है? ब्लॉक है। क्लियर हो गया ना। तो ब्लॉक साइज क्या लिखे? इट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स ग्रुप इन टू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक बोलने का मतलब कि उस ब्लॉक में अगर आप 5 बाइट लिखे हैं या 50 बाइट का ब्लॉक है या 500 बाइट का ब्लॉक है, तो जब भी डेटा स्टोर होगा तो वो पूरा एक साथ 500 होगा, और निकलेगा भी तो एक साथ 500 होगा, ग्रुप हो गया। आप लोग क्लास में ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, 10 बच्चे मिल लिए तो जो डिसीजन होगा वो 10ों का एक समान होगा। तो यहां वही बात है ना, ग्रुप साइज मतलब डाटा एक साथ इतना आएगा और जाएगा। ठीक, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो अगले सेशन में हम इसको विस्तार से बताएंगे, और यही सब आपको कैश में आगे पढ़ना है। क्या बताएंगे कि अब जबकि आपका मेन मेमोरी का साइज जो है रेस्पेक्ट कैश मेमोरी से अधिक है, तो आपको मेन मेमोरी का हर कंटेंट एक्सपेक्ट करना है कि कैश में हमको मैप करना है, लाना है, क्योंकि जब सीपीयू कोई डाटा को प्रोसेस करेगा तो वो तो कैश में फाइंड करेगा, मेन में तो फाइंड करेगा नहीं, कैश में नहीं मिलेगा तब मेन में जाएगा, और जब मेन में उसको जाना पड़ेगा तो स्वाभाविक है टाइम क्या होगा, एक्सीड करेगा प्रोसेसिंग टाइम। तो आपका पर्पस क्या होगा कि अधिक से अधिक जो मेरा जितना भी मेन मेमोरी का कंटेंट है वो किसमें मैच करे, मैप कर जाए कैश मेमोरी में। तो वो मेथड क्या होगा? भाई आपका बिगर साइज है और ये स्मॉलर कैश साइज है, तो इसको किस किस तरीके से हम स्मॉलर में साइज मेमोरी में बिगर साइज मेमोरी के कंटेंट को मैप कर सकते हैं, ये तीन तरह का मेथड आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सेशन में, तीनों वीडियो अगले सेशन में आपको डायरेक्ट मैपिंग आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम एसोसिएटिव से मैपिंग बताएंगे, फिर से एसोसिएटिव मैपिंग बताएंगे। तीनों मैपिंग काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमको पूरा उम्मीद है आप लोग को कैश मेमोरी का कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि कंप्यूटर का जो स्पीडअप बढ़ाना है उसमें कैश मेमोरी का क्या रोल होता है? तनिक भी कहीं आपको डाउट रहा होगा तो एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। हाँ, आई एम 100% श्योर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच।